खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। फ्रांस के साथ राफेल सौदे में ऑफसेट पॉलिसी पूरी ना होने पर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सरकार ने नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी डीएपी 2020 में ऑफसेट पॉलिसी के बदलाव दिया है। इसके अंतर्गत अब सरकार अंतर सरकार और एकल विक्रेता रक्षा खरीद के ऑफसेट पॉलिसी लागू नहीं होगी। गौरतलब है कि अब तक ऑफसेट पॉलिसी के अनुसार फ्रांस से 36 राफेल जेट की खरीद के मामले में निर्माता डसॉल्ट एविएशन और एमबीडीए को भारतीय रक्षा क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 30% निवेश करने की अनिवार्य किया गया था। राफेल सौदे में जहां 36 फ्लाइट जेट 59,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए तो वहीं ऑफसेट क्लॉज 50% था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।